मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनसा के अनुरूप धार्मिक स्थलों व परंपरा के संवाहक धरोहरों के विकास को पंख लग गए हैं। आस्था और परंपरा के प्रतीक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को सवरा रूप लोगों को अपनी ओर और आकर्षित कर रहा है। ऐसे स्थल नए स्वरूप में अपनी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को न केवल अक्षुण्य रखे हुए हैं, बल्कि इनके जीर्णोद्वार के बाद आस्था और परंपरा का और सम्मान बढ़ा है। आस्था और परंपरा को सम्मान देते हुए सीएम योगी के मार्गदर्शन में गोरखनाथ ओवरब्रिज के समीप स्थित पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व वाले मानसरोवर शिव मंदिर तथा मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान अधियारी बाग का पर्यटन विकास कराया गया है। इन दोनों स्थलों पर हुए विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के पहले दिन यानी गुरुवार 14 जुलाई को करेंगे। मानसरोवर शिव मंदिर को सजाने संवारने में 6.01 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, प्रसाधन, 50 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा, 2 टूरिस्ट शेल्टर, परिसर स्थित सरोवर पर रेड स्टोन रेलिंग, हवन कुंड, रेड स्टोन पाथवे, उद्यान, महिला पुरुष व दिव्यांगजन के लिए टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, बाउंड्री वॉल का निर्माण, लैंडस्केपिंग, प्रवेश द्वार, पार्किंग के निर्माण के साथ ही सोलर पैनल तथा विक्टोरिया व गार्डन लाइट लगाए गए हैं। मानसरोवर शिव मंदिर के पास स्थित रामलीला मैदान अंधियारी बाग का जीर्णोद्वार तथा सुंदरीकरण 1.64 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। रामलीला के लिए मंच, ग्रीन रूम, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट ब्लॉक, उद्यान, 2 प्रवेश द्वार बनाने के साथ ही लैंडस्केपिंग भी कराई गई है। रामलीला मैदान में स्थित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है।